मुशर्रत जमशेद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मुशर्रत जमशेद चीमा साहब के लिए सुबह से हम टीवी पे एक बुरी खबर देख रहे हैं कि जमशेद चीमा साहब को गिरफ्तार करने की बात की जा रही है। क्यों, क्योंकि आप सर फाड़ दिए? सुने तारा साहब कह रहे हैं आपने सर फाड़ दिए। बिल्कुल भी नहीं, वो तो है ही जोकर नौकर, बेसिकली मुंशी, बेसिकली उसको झूठ बोलने के अलावा, जैसे कनीजी हैं तो ये कनीजा है ये मेल वर्जन है कनीज का। अच्छा। कि झूठ बोलना बगैर एविडेंस के। भाई वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सारा मीडिया मौजूद था, इन्होंने मेरी गाड़ी के ऊपर अटैक किया है, इन्होंने हमें धक्के दिए हैं, बेसिकली वर्कर्स आपस में लड़े हैं। जब आप और ये इनके लोग हमें, हमारे लोगों को और हमें मार रहे थे, तो वो पता नहीं उसको, मुझे लग रहा है खुद चोट लगाई है ताकि वहाँ पे एक सीन क्रिएट करके, और वहाँ पे लोगों को सुबह से हरास करने का सिलसिला जारी था। सुबह से हमारे पोलिंग एजेंट्स को नहीं बैठने दिया जा रहा था, जो कि मीडिया ने रिपोर्ट किया। हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी पॉइंट पे थी, सारा मीडिया मौजूद था, मीडिया की मौजूदगी में ये हुआ है। वहाँ पर एक ऐसा अहमक है जिहड़ा जंज पराई ते नच रहा है, बेसिकली वो कौन, लोटा है, वो लोटा है शानदार, जो जो इनमें से ये प्लास्टिक के लोटे हैं वो अपने आप को कहता है मैं जरा सुपीरियर हूँ, मैं पीतल का लोटा हूँ, ठीक है, स्टील का लोटा हूँ। तो मैं उस स्टेनलेस स्टील के लोटे को बताती चलूँ कि ये पराई जंज है, इसमें अहमक ना बने, थोड़ा नाचे, उतना नाचो जितना तुमसे कल को बर्दाश्त हो सके। पुलिस को मैं बताऊँ कि रात से पार्टी इज ओवर, गेम इज ओवर, PMLN इज ओवर, यू आर कॉन्फिडेंट के ये जा रहे हैं? मैं इसलिए कॉन्फिडेंट हूँ कि रात जलील शरकपुरी साहब के रेजिग्नेशन के बाद हम अक्सरियत में हैं और वो अकलियत में हैं, और उसके अलावा आज जो आप हालात देख रहे हैं जनरल इलेक्शन से ज़्यादा अच्छे हालात है कि नहीं? ये बहुत बड़ी बात है कि लोग निकले, ये घबराए हुए लोग हैं, और जो इनके हुक्म के ऊपर इनके नौकरे शाही बने हुए हैं, मैं उनको बताती चली जाऊँ, इनकी हुकूमत चली गई है। कल मैं इंशाल्लाह प्रिविलेज मोशन मूव करूँगी असम्बली में, कल हमारा इजलास है। कुछ पुलिस अफसरान जिन्होंने रियासती मुलाजिम होने के सबूत देने की बजाय उन्होंने रियासती दहशतगर्दी फैलाई हुई है, हम उनको पूछेंगे, हिसाब लेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताएं, क्या मैं बार बार आपकी सीनियर लीडरशिप से भी पूछ रहा हूं कि क्या जादू किया आपने, इस्तीफे आ रहे हैं, ये सच में वो न्यूट्रल्स जो हैं वो न्यूट्रल तो नहीं हो गए? ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह अल हक है, अल्लाह हक और सच के साथ है, और इंशाल्लाह फतह। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं चौधरी साहब ने पता गाड़ी निकल बोलियां चलाई है, क्या ये बात दुरुस्त है? एब्सोल्युटली नॉट। जैसे सदीक जैसे इमरान रियाज जैसे दोस्तों तो फिर हमें क्या खतरा है। बहरहाल जी सूरत हाल जो है फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। चार हल्के लाहौर के, ये इसमें क्या सूरत हाल देख रहे हैं? सूरत हाल ठीक है इंशाल्लाह, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सही चल रहा है, लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ बड़ी नहीं हुई, हम चाहते हैं एक अमन अमान बरकरार रहे और एक पोलिंग जो है इसी में हो जाए, तो इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। था ना वो, आप कैसा देख रहे हैं, लोग निकल रहे हैं बाहर आ रहे हैं? टर्नओवर बहुत अच्छा है, टर्नओवर अच्छा है, लोग निकल रहे हैं आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला सही हो। ये चीमा साहब की गिरफ्तारी के बारे में वो कह रहे हैं बात, वो करेंगे गिरफ्तार? ये तो पागल हैं, वो उधर लोधना चलेंगे शिबली को पकड़ने, इधर चलेंगे अपने इसको जुल्फी को पकड़ने, इधर लोग इस तरह लोगों की गिरफ्तारियों से थोड़ा होता है। ये क्या जादू किया आपने, रात से इस्तीफे आना शुरू हो गए? आप इंशाल्लाह और भी देखते हैं। अच्छा और भी मजीद आएंगे। थैंक यू वेरी मच जी। फवाद चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, इस वक्त वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि आज की जो वो जो जीत है वो इनकी होने वाली है। थैंक यू।